हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाइब्रेरी ट्रेनिंग या लाइब्रेरी इंटर्नशिप से संबंधित हैं। यदि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरी ट्रेनिंग या लाइब्रेरी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें लाइब्रेरी ट्रेनिंग के कुल 5 पदों के बारे में बताने वाला हूं। सभी डिटेल जानकारी बताएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से प्रोसेस और भी डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पद है लाइब्रेरी ट्रेनिंग या लाइब्रेरी इंटर्नशिप के लिए है, 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, एज लिमिट 27 साल हैं और कुल 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो ट्रेनिंग पीरियड है टेम्प्रोरी बेसिस पे है। आपको पता है कि ट्रेनिंग टेम्प्रोरी बेसिस पे होता है, 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग है आपका, लेकिन बाद में आपका ट्रेनिंग पीरियड है उसको एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। और यह डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के आधार पे, आपके कार्य करने की शैली के आधार पे आपका 6 मंथ से बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया जाएगा। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर डिग्री यानी मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और जिस यूनिवर्सिटी से आप किए हैं मास्टर डिग्री वो UGC से अप्रूव होना चाहिए, यानी यह कोर्स अप्रूव होना चाहिए। इसके अलावा आप मास्टर डिग्री पास आउट हैं या 2021 और 22 में आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई किए हैं तो इंटरव्यू के टाइम आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यदि इसमें स्पष्ट लिखा है कि आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे सर्टिफिकेट लेकर। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे डिजाइबर में जो दिया है IT से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करें यह जो पद आया है कहाँ पे आया है तो IIT हैदराबाद में आवेदन आमंत्रित किया गया है लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए और कुल 5 पद हैं। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे और भी डिटेल जानकारी दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी गूगल फॉर्म दी गई है जहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यह जो लिंक है गूगल फॉर्म का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। इसके अलावा इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू है तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि कब से कब हैं, तो इसके लिए स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो तिथि है तो 30 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है और 13 जनवरी 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी गूगल फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है। रिटर्न टेस्ट 30 जनवरी 2023 को होगा और जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है 31 जनवरी 2023 को इंटरव्यू होने वाला है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हम सिलेबस की बात करें रिटर्न टेस्ट के लिए तो UGC नेट का जो सिलेबस है वो अप्लीकेबल है, लेकिन ट्रेनिंग में सिंपल प्रश्न पूछा जाता है तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक और डिटेल जानकारी दिया है रिटर्न टेस्ट के लिए, मतलब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इससे बारे में डिटेल जानकारी दिया है कि रिटर्न टेस्ट के लिए कोई भी TA डे नहीं है। तो फ्रेंड, यह जो चैनल है जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है।